श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, लेकिन टी20 में उम्मीद की जा रही थी कि हार्दिक पांड्या टीम को लीड कर सकते हैं, मगर गौतम गंभीर ने नया हेड कोच बनते ही सूर्य कुमार यादव के हाथों में टी20 की कमान सौंप दी है। हार्दिक को कप्तानी न मिलने से उनके फैंस निराश हैं। आइए समझते हैं कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी क्यों नहीं सौंपी गई। ESPN क्रिकइंफो के अनुसार फिटनेस को लेकर चिंता और वर्कलोड को मैनेज करना, इन दो बातों के कारण कप्तानी का फैसला हार्दिक के अगेंस्ट गया। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में टखने की चोट के कारण हार्दिक काफी लंबे समय से ब्रेक में चल रहे थे। उन्होंने कई महीनों के बाद IPL 2024 में वापसी की, मगर हार्दिक को लेकर चिंता यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वे इससे पहले भी चोटों के कारण टूर्नामेंट और सीरीज मिस कर रहे थे। हार्दिक पांड्या को किसी भी फॉर्मेट में टीम इंडिया की कप्तानी मिलना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। हार्दिक टी20 टीम में तो है, लेकिन उन्हें उपकप्तान भी नहीं बनाया गया है। एक दूसरे रिपोर्ट के अनुसार ये खुलासा हुआ कि सूर्य कुमार यादव को टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक कप्तान बनाया जा सकता है। दूसरी ओर शुभमन गिल को टी20 सीरीज का उपकप्तान बनाए जाने का भी संकेत है कि टीम मैनेजमेंट हार्दिक को किसी हालत में लीडिंग रोल नहीं देना चाहता। चूंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 तक राहुल द्रविड़ टीम के हेड कोच थे, हाल ही में कंप्लीट हुए वर्ल्ड कप में हार्दिक को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि द्रविड़ हार्दिक को अगले कप्तान के रूप में देखना चाह रहे थे। यहां तक कि ऑलराउंडर खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन करके सबकी उम्मीदों पर खड़ा भी उतरा, मगर गौतम गंभीर का प्लान कुछ और ही है, क्योंकि श्रीलंका दौरे के लिए जिस तरह की टीम चुनी गई है उसे ये लगता है कि जैसे हार्दिक को कप्तानी के आसपास भी नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों ऐसी क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।